प्राउड मोमेंट कि आप लोग सेलेक्टेड पर्संस के बीच में मैं बोल रहा हूँ। और रही बात सिलेक्शंस की, तो ये कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ब्यूटी तो हो उसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन एक चीज है जो लाइफ पार्टनर हो वो एजुकेटेड होना चाहिए, वो आपके आने वाले जेनरेशन के लिए भी अच्छा है और लाइफ को हैंडल करने में भी अच्छा है। तो मैंने इन्हें एजुकेशन के क्वालिटी को जरूर देखा था। तो आज आप समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं? सर आप जो भी बोलिए खतरनाक बोलते हैं। मतलब देखो आप लोग तो ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, तो मोटिवेट क्या करना, बस इतना बोलूंगा कि आज की शाम बहुत हसीन होने वाली है, ठीक है। एक तो इतने हसीन हसीन चेहरे हैं, और सबसे बड़ी बात हसीन इसलिए भी है क्योंकि आज आप लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो जब लाइफ में अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है, ठीक है। तो आज की शाम पूरा फुल इंजॉयमेंट करिए, बढ़िया तरीके से, ये शाम आपकी है और आपसे कोई नहीं ले सकता है, फुल इंजॉय करिए, ठीक है। लाइफ में मेरे तरफ से आपके लिए फ्यूचर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो यार अब आप ऑफिसर बन चुके हो, अच्छी अच्छी पोस्ट और अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में जा रहे हो, लेकिन ना मतलब ये मोमेंट आपको हमेशा याद रहेगा। और जब ये शुरुआत हुई इस मेटअप के पिछले साल हुआ, आपकी बार हुआ, मतलब इस मोमेंट को इतना एंजॉय करके जाना कि लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट ये बन सके, इतने ज़्यादा एंजॉय करना। और अब आपकी जिंदगी जो बड़ी बड़े स्ट्रगल करके आपने ये कामयाबी हासिल की है, बहुत किस हर एक बंदे की अपनी एक स्टोरी होगी, लेकिन अब आपकी जिंदगी बड़ी बेहतरीन होने वाली है, बहुत बेहतर। मतलब जो सपने आपने सारे सोचे थे वो सारे सारी चीजें पूरी जरूर करना अपनी जिंदगी में, और मजे जरूर लेना एक दो साल जिंदगी के, क्योंकि बाद में तो अभी आपके रिश्ते की बात शुरू हो ही जाएगी, लेकिन उससे पहले अपनी जिंदगी को जियो खुल के। तीन चार लोग जब मुझे उठा के लेके आएंगे तब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वो पार्टी मैं आपको दूंगा, लेकिन आपका और हमारा रिश्ता 29 साल तक चलना चाहिए। शादी में भी बुलाओगे? शादी का नाम अभी मत लो, कोई नहीं, शादी 2-3 साल तक करना नहीं किसी को भी, ठीक है। शादी एक लॉकअप है, समझे। तुम में से प्यार वाले तो नहीं है जिनका ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है? अगर ऐसा कौन कौन है, ऐसा भी होगा ना जिसकी जॉइनिंग हुई, जिसका जो इंस्पेक्टर बना गली जिन्हें शादी पक्की कर ली जिसने, यही है ना, यही तो बराबरी की है। चलो बहुत बढ़िया। देखिए एक बात और कि पहले कहते थे कि पहले के लोग अच्छे थे, आज के लोग खराब हो चुके हैं, आज का जमाना खराब हो चुका है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि पहले जो लोग सिलेक्ट होते थे, पहले जो सरकारी सर्विस में जाते थे, उससे कहीं ज्यादा बेटर, कहीं ज्यादा ईमानदार, कहीं ज्यादा मासूम और कहीं ज्यादा अच्छे इंसान आप लोग हो। और मेरे हिसाब से तो आज के टॉपर्स, आज की जो जनरेशन है वो अच्छी है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अभी जैसे AIR1 को देखो, सुचिता से बहुत सारे टॉपर्स में से आप लोगों से मिला, वो जितने जेन्युइन और मासूम है, वाकई में 20 साल पहले जो लोग बने थे वो ऐसे नहीं थे। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारा इंडिया अपग्रेड हो रहा है भाई, उसको ऐसे ऐसे इंस्पेक्टर वर्किंग ऑफिसर्स मिलेंगे काम करने के लिए, तो बहुत बढ़िया बात है। एक बार आप सभी लोगों के लिए तालियां, खुद के लिए तालियां बजा दो, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, ठीक है, और एंजॉय करो भाई। ओके, पर पहली जीत है बस ये, पर पहली जीत है बस ये, पूरी फहरिस्त बाकी है, लाइफ में आने बाकी काफी ट्विस्ट बाकी है, तो आदत बना के जीत की उड़ना ना करना बंद, तो आदत बना के जीत की उड़ना ना करना बंद, अभी तो बस शुरुआत है, पूरी महफिल बाकी है। थैंक यू। ओके, पहले तो मुझे बताओ कि इंग्लिश के बारे में क्या सुनना चाहोगे? कुछ भी, कुछ भी, करना है। जो YouTube पे दिन रात वीडियोस देखते रहते हैं, पहले फोटो मारे दो तीन, ठीक है, कि इंग्लिश ये है, इंग्लिश वो है, कुछ भी नहीं,
ठीक है, बस आपको क्या करना है ना, लगे रहना। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ, क्लास में अगर पहला दिन भी आ रहे हो ना, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, बट फिर भी टिके रहो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है ना कि जो टिक गया वो एग्जाम्स निकाल लेता है। और दूसरी बात, आप लोग तो मेरे यूट्यूब चैनल फॉलो करते ही हो, तो जब भी मैं यूट्यूब पर भी पढ़ाती हूँ, ये तो आपने देखा होगा कि पहला दिन बहुत सारे बच्चे आते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चों का नंबर्स कम होता है, और कभी कभी टीचर का मोरल डाउन होने लगता है कि नंबर्स कम हो रहा है। लेकिन मुझे जो लास्ट में बच्चे बचते हैं ना, अब मुझे पता चल जाता है कि यही मुझे सिलेक्शन देने वाला है, क्योंकि जोश में तो सब आते हैं। और आप लोग में गलती क्या है ना, SSC का एग्जाम देने आए हो, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। और हम लोग, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अगर आप मेरे से कुछ भी सीख सकते हो ना, बस मेरे में एक क्वालिटी है जिसको लेकर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, कौन सी? पेशेंस। पेशेंस, आपने मेरे यूट्यूब की जर्नी देखी होगी, पसीना पोंछ पोंछ कर मैं पहले पढ़ाती थी व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, उसी में मुखर्जी नगर में लाइट चला जाता था, बट था कि नो, मेरा यूट्यूब चैनल धीरे धीरे ग्रो करेगा, और आप लोग की सपोर्ट की वजह से नाउ आई हैव अ फैमिली ऑफ 1 मिलियन, वन मिलियन की फैमिली हो गई। और एक चीज मुझे और भी बोलना है कि आज मुझे बहुत, मतलब मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ, इमोशनल इन द सेंस कि इतने सारे ऑफिसर्स ना, मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके करियर में मेरा भी थोड़ा बहुत, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर भी जानते हैं कि जैसे आप लोगों का रिजल्ट आता है ना, तो सबसे पहले मैं सर के पास जाती हूँ और बोलती हूँ कि देखिए ये SSC का रिजल्ट आ गया है, इसका हो गया है, उसका हो गया है। एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि माई गॉड, तुम तो इतना खुश हो रही हो ना कि लग रहा है कि क्या हो गया। तो खुश होने की बात ही है, आपका सक्सेस इज और 21 में इससे भी ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो लगे रहिए और जाइए ऑफिस में, अच्छे से अपना काम करिए, और आपके पास लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसे ही लाइफ में ग्रो करते रहिए। और मुझे सेकंड चीज जो बहुत दिल छूने वाली बात क्या लगी कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स के बाद उसके बाद मुझे कॉल किया, और मैं उस दिन 12 बजे रात तक, जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आया ना, बच्चों के साथ मैसेजेस में बात कर रही थी और हक से उन्हें डांट रही थी कि मुझे कॉल करने में इतना लेट आपने क्यों किया। तो बच्चे बोल रहे थे नहीं मैम, और काफी सारे बच्चों को देखा नेक्स्ट डे गोवा निकल गए, ठीक है, गोवा घूमने चले गए हैं कहीं। और अभी तो मैं हर दिन में स्टेटस चेक करती हूँ बच्चों की, तो देखती हूँ कि ME ऑफिस के सामने बच्चे बाइक चला रहे हैं, स्पीड में जा रहे हैं, मतलब दे आर एंजॉयिंग देयर सक्सेस। एंड आई फील, और उनका हर दिन स्टेटस देख के ना, मैं एक थम्स अप उन्हें जरूर देती हूँ। गर्ल्स को भी मैंने देखा है कल दे, शाम को इनकम टैक्स ऑफिस में सारे अपने कलीग्स के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है कि बेचारों ने जितना, बेचारा तो नहीं है अभी तो ऑफिस हो गए, आज SSC जिंदाबाद है, रहेगा। अब 3 साल पहले अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से भी हो लेकिन अगर वो ठान ले तो आराम से एग्जाम निकाल ले। तो SSC एग्जाम में ना ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कोई बैरियर हो, ठीक है, आराम से निकाल लोगे। और देखो आप लोगों को तो पता है ना, हाँ मेरे से एक और चीज सीखना है क्या, खुश था बहुत ज्यादा, पहले अपनी मॉम को बताया था, फिर पापा को, मतलब घर में ही बताया था ज्यादा, क्योंकि इतने टाइम से किसी से कनेक्टेड नहीं थे, तो सब बहुत खुश थे, क्योंकि आइडिया तो था कि अच्छी रैंक आएगी, पास अच्छे थे, तो खुश थे, रिलीफ थे कि मिल गया जो चाहिए था, फाइनली पोस्ट मिल गई है जो चाहिए थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
ओके, तो अभी हमारे साथ और भी टीचर्स आने वाले हैं, तो उससे पहले सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हमने लिया था. अभी हम लोग अभिनय शर्मा सर आ रहे हैं और लोग हो गए मेरी हो गई